गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, तब हुआ है यहाँ का पानी ब्लू और इस साइड ब्लैक ही है, इस साइड थोड़ा ब्लू है, बट कोई ना, हम लोग चल जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, ऐसे भी निकलना तो 9-10 बजे के करीब, अभी बजे 12:30। की बैटरी चेंज करनी है बिकॉज गोपी की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी और जहाँ हम रुके थे रात को कल कैंप में, बैटरी चार्ज नहीं कर पाए, इस वजह से हमको बाइक में चार्ज करना पड़ा। तो जैसा कि आपने देखा जो व्यू, अभी हमने पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर किया और पेंगोंग लेक एक्सप्लोर करने के बाद हम जा रहे हैं हाल्डे और हाल्डे से फिर जाएंगे उमेगला पास, जो हाईएस्ट नोटेबल पास है। यहाँ पे आपको काफ़ी होमस्टे मिल जाएंगे और ये पास में एक टाउन है जो यहाँ पे काफ़ी होमस्टे बनाए हुए हैं, काफ़ी कैंप है। तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल आ रहा है कि आपको होमस्टे और कैंप नहीं मिलेगा, आराम से मिल जाएगा आपको यहाँ पे। आइए आराम से, आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ को और अपने लिए भी जीना चाहिए इंसान को। यहाँ से पेंगोंग देखोगे ना, एकदम आपको ब्लू दिखेगा बिकॉज जहाँ से आपको लग रहा होगा पूरा ब्लू है और ये एकदम खारा है, इसमें आप नहाए ना बिकॉज आपको रेशेस भी हो सकते हैं जिसको स्किन प्रॉब्लम है। नेचुरल है बट सर्दी का और किसी को सूट नहीं होता है पानी, घटिया नहीं है। अब थोड़ी बहुत तो मिलेगी ही मिलेगी आपको ऑफरिंग, ये देखिए। चलिए शुरू करते हैं ऑफरिंग भैया। पेंगोंग रिवर पेंगोंग लेक को क्रॉस करेंगे, इसका पानी यहाँ तक है, देख लीजिए। पानी नहीं आएंगे, बार बार से जाएंगे, इतना भी पानी नहीं है। लग रही है बट हम सोच रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर बाद ही स्टॉप लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। बस तो हो गया 50 और खींच लेते। व्यू देख रहे हो, ये पेंगोंग लेक का ही है। अब मेरे साथ ही आ जाए फिर मैं निकलूँ बिकॉज ये रास्ता थोड़ा भटकने वाला है, कि उधर चला जाएगा उधर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी हमको। दोनों आ जाए उसके बाद हम जाते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है ऑफ रोड में भी। अब देखो आगे पक्की रोड आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिख रहा है यहाँ से। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ये ऑफ रोड है यहाँ पे।
चल जाना हमको, चेस्ट चल जाना। ये देखिए आप, घोड़े चल रहे हैं घास। तो फिर देखते हैं इधर जाना है या इधर जाना है। रास्ता पर कुछ पता नहीं है, मैं मेरे पास नहीं भैया, आ रहे थे उनको आ जाए फिर हम चलते। दिख नहीं रहे अभी तक, आए नहीं, पीछे रह गए। जब तो मैं रुक गया, मैं कह जाना किधर है। मैप निकालो, मैप ये आउटसाइड से जा रहा है मेरे ख्याल। गांव के अंदर चले, खाना भी खा लेंगे। खा तो लेंगे एक बार, बट या दो मिनट देखने तक भी आ जाएगा। गाड़ी वाला आ रहा आगे ले, फेस आसपास कोई है नहीं। गाड़ी वाला आगे से पूछ, धन 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 मैसेज आना शुरू। नेटवर्क आ गया क्या? नेटवर्क आ गया था यहाँ पीछे, तभी हम रुके थे। खाने का टाइम होने वाला है, हम सोच रहे इसी गांव के अंदर रुकते हैं, खाना खाते हैं फिर आगे आगे की ओर निकलेंगे। गांव काफ़ी सुंदर लग रहा है मेरे को, जैसा कि आप देख ही रहे हो। और जो वहाँ की जो दीवार बनाई है, गोल गोल पत्थर से बनाई हुई दीवार, खाना मिल जाएगा। तो गाइस अभी हम रुके हैं इस गांव के अंदर खाना खाने, देखते हैं क्या मिलता है खाना खाने को। और ये रेस्टोरेंट है रोलेक्स रेस्टोरेंट, जो चौसुल गांव ये उसी के अंदर है। चलो चलते हैं भैया खाने में। अंडा भुजी और पतली सी रोटी, ठंडियाँ ज़्यादा लग रही हैं बाजी। बाहर स्नोफॉल भी हो रही है भाई, बाहर हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। और ये हमारा छोटा जादू। खाना खा चुके हैं शेख भाई, अपने बाल वगैरह बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं कि इनको वीडियो में आना है इस वजह से। और हमने खाना खा लिया है, और यहाँ पे दो दीदी और एक भैया थे, काफ़ी प्यार से सर्व किया खाना और काफ़ी मज़ा आया, है ना मोइन? बिल्कुल। अब कहाँ चलना है मोइन अपन को? कहाँ चलना है? इसको पता ही नहीं है। अब मैं इसको बोलूंगा कि तेरे कुछ पता ही नहीं है, फिर ये मेरे को बोलेगा मैप तू देखता है। आने से पहले हमको रोंगो जाना है, जो रोंगो यहाँ से पड़ेगा 70 किलोमीटर, देन वहाँ से 70 किलोमीटर पहुँचने के लिए 2 घंटे चाहिए, बिकॉज जो रोड है वो काफ़ी ही ऑफ रोडिंग है।